धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत जौनपुर विकासखंड के नैनबाग में जनता दरबार लगाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम की अध्यक्षता में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु यह दरबार लगाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनता दरबार की सूचना पूर्ववत लोगों को दी गई, जिस कारण दूर दराज के ग्रामीण बड़ी तादाद में अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुँचे। जिलाधिकारी ने मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया और कई समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जौनपुर विकास खंड के नैनबाग में लगाए गए बहुउद्देश्य शिविर जनता दरबार में भारी संख्या में दूर दराज से आए लोगों ने शिरकत की और अपनी समस्याओं से अधिकारी को अवगत कराया। वहीं शिविर में सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिससे ग्रामीणों को सभी विभागों की जानकारी मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी जो भी मांगे थी उन्हें हमने जिलाधिकारी को अवगत करा दिया है और जल्द ही हमारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर बी षणमुगम का कहना है कि आज जनता दरबार में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, टूरिज्म और कृषि सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिससे सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए, इस तरह का आयोजन बार बार होने चाहिए, 6 महीने में, साल भर में इस तरह का आयोजन होने चाहिए। इससे सरकार की, अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की जो जवाबदेही है वो निर्धारित होती है। कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि सही ढंग से काम नहीं करता तो तहसील दिवस के द्वारा वो उठाया जा सकता है। जनता दरबार में हमारी जनता ये आस लेके आती है कि भाई हमारी जितनी भी क्षेत्रीय मांगे हैं उसमें पूर्ण हो, और विशेषकर हमने जो मुद्दा उठाया है वो सिंचाई के प्रति उठाया है, क्योंकि अधिकतर हमारे ग्रामीण किसान सिंचाई पे ही निर्भर है और अपना क्रैश क्रॉप्स का जितनी भी फसलें हैं सभी बिना सिंचाई के नहीं हो सकती है, और उनको स्वयं अपने संसाधनों से जो ये काम सिंचाई के लिए करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने तो अभी संबंधित विभाग को बोला है कि आप क्षेत्रीय स्थानीय लोगों के साथ निरीक्षण करें, और विभाग से भी आश्वासन मिला कि भाई हम इसको देखेंगे। आज हम लोग नैनबाग तहसील में एक शिविर लगाया गया था, इसमें समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, वेटनरी और टूरिज्म, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, बाकी हमारा तहसील के माध्यम से जो प्रमाण पत्र वगैरह बनाना है उसके भी लगाए थे हमने। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम लोग परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह कराया गया है, और इनका अटल आयुष्मान कार्ड का भी हमने आज इधर ही बनाया गया है। इस प्रकार का पेंशन के संबंधित मामला में इनका कई लोग का पेंशन का फॉर्म वगैरह भी बनाया गया है। सो हमारा योजना का लाभ लोग तक पहुंचाने के लिए हम विभिन्न विभाग के माध्यम से प्रॉपर सूचना पट भी लगाए गए हैं, कुछ फॉर्म भी वितरित किया गया है। इस प्रकार का हम लोग करते रहेंगे ताकि लोग दूर दूर से मुख्यालय लेवल तक नहीं आ पाते हैं, एटलीस्ट उनका जो प्रॉब्लम है अपने तहसील लेवल पर समाधान हो सके। सो इस प्रकार का हम लोग आयोजित करेंगे। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए मसूरी से नरेश नोटियाल की रिपोर्ट।